भारत और विश्व इतिहास में 1 सितंबर का खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। दरअसल आज के ही दिन भारतीय मानक समय का निर्धारण हुआ था। भारत में भारतीय मानक समय निर्धारित UTC 5:30 को भारत का आधिकारिक समय 1 सितंबर 1947 को घोषित किया गया, जिसका अर्थ है कि भारत UTC से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। UTC को अब GMT के नाम से जाना जाने लगा है। दूसरे शहरों की तरह भारत में दिवालोक बचत समय निरीक्षित नहीं किया जाता है। 4th ईस्वी में एक CE नामक खगोली पुस्तक के तहत सूर्य सिद्धांत ने भी भारतीय मानक समय के बारे में कहा था, जिसके अनुसार पृथ्वी को गोलाकार घोषित किया गया था। उस किताब में उन्होंने बताया था कि प्रधान भूमध्य रेखा अवंतिका से 23 सेल्सियस 11 N, 75 सेल्सियस 45 N से रोहिताका 28 सेल्सियस 54 N, 76 सेल्सियस 38 N से गुजरती थी। 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास वैधशाला का निर्माण हुआ। 1802 में चेन्नई का देशांतर 13 डिग्री सेल्सियस 5:24 N से 80 डिग्री सेल्सियस 18:30 E रखा गया, को कि GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। वहीं समय था जब पहली बार किसी समय क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से शहर अपने ही स्थानीय समय का उपयोग करते थे। बदलाव तब आया जब 1850 में रेलवे द्वारा संयुक्त समय को अपनाना आवश्यक हो गया। बॉम्बे GMT के समय सारणी के हिसाब से 4 घंटे और 51 मिनट आगे हैं और कोलकाता 5 घंटे 30 मिनट और 21 सेकंड आगे हैं। 1880 में भारतीय रेलवे ने मद्रास टाइम्स के समय सारणी का इस्तेमाल प्रारंभ किया है, जो कि बॉम्बे और कोलकाता के समय सारणी के बीच का समय था, जिसे मानना अनिवार्य था। और फिर 1 सितंबर 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भारतीय मानक समय को भारत के आधिकारिक समय के रूप में स्थापित कर दिया। कुछ दिनों के बाद केंद्रीय वैधशाला को चेन्नई से इस्लामाबाद ले जाया गया, ताकि UTC 5:30 को देशांतर के पास रह सके। इलाहाबाद के पास से छोटे से शहर मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर के 42.5 डिग्री सेल्सियस पूर्व देशांतर के आधार पर भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। इसलिए जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन में समय का इस्तेमाल करते हैं तो हम UTC 5:30 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब GMT में तब्दील हो गया है। वहीं आज के ही दिन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी की असरदार टैगलाइन के साथ देश के लाखों लोगों का बीमा सेवाएं देने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 62 साल पहले 1 सितंबर के दिन ही की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और 101 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके 10 लाख से ज़्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।